सायाहपुर में डीएम और एसपी ने जेल में अचानक छापेमारी की। अधिकारियों की छापेमारी से जेल में हड़कंप मच गया। इस दौरान अधिकारियों ने जेल की बैरकों में गहन तलाशी की, साथ ही जेल प्रशासन को कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि जिला कारागार में इन दिनों यौन उत्पीड़न के आरोप में स्वामी चिन्मयानंद भी बंद हैं। साथ ही चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में छात्रा और उसके 3 दोस्त भी जेल में बंद हैं, जिसके चलते अधिकारी लगातार जेल में छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान अधिकारियों को कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। खाने में शिकायत मिलने पर जेल प्रशासन को खाने की गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। कानूनी मदद न मिलने पर कैदियों की शिकायत के बाद जेल अधीक्षक को निशुल्क सरकारी वकील मुहैया कराने के आदेश भी जेल प्रशासन को दिए गए हैं। फिलहाल अधिकारियों की छापेमारी से जेल में हड़कंप मचा रहा। जेल का औचक निरीक्षण था और पूरी जेल की सघन तलाशी ली गई। कोई आपत्तिजनक सामग्री तो बरामद नहीं हुई है। खाने का समय हो रहा था और खाने की क्वालिटी को भी चेक किया गया है। खाना ठीक कैटेगरी का था, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे सब्जी में तेल का जो छौंका लगाया जाता है वो थोड़ा सा कच्चा था। निर्देश दिए गए हैं कि इस टाइप की सावधानी बरतें ताकि थोड़ा खाना स्वादिष्ट भी रहे, जो मानक है उसके अनुरूप रहे। सामान्य सफाई व्यवस्था उत्तम थी। औचक रूप से तलाशी में तमाम वगैरह की जो जांच की गई उसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, तो कोई ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं। कोई विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए जेल प्रशासन को? जेल प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो कैदी जिनकी पेशी के लिए अधिवक्ता नहीं है, उन्हें बहुत सारे कैदी ऐसे हैं उनको नए अधिवक्ता नामित किए गए हैं। उनमें से कुछ लोगों का यह कहना था कि हमको हमारा अधिवक्ता मिलने नहीं आया, तो उनको जानकारी नहीं थी, तो ये बताया गया कि अधिवक्ता हम मिलने नहीं आएगा, उसको जब कोर्ट में ज़रूरत होगी तो आपको निःशुल्क जो अधिवक्ता उपलब्ध कराया गया वहाँ पर उपलब्ध होगा। तो उनको ये बताया गया कि बीच बीच में इनको गाइड भी करते रहें ताकि उनके मन में कोई दुश्चिंता ना रहे जो उनको निःशुल्क। अच्छा, एक चीज़ है।